दोस्तों बहुत से लोग मकान बनाने के लिए होम लोन लेते हैं, लेकिन उन्हें लोन मकान के निर्माण की प्रोग्रेस के हिसाब से किश्तों में मिलता है, और जब तक पूरा लोन नहीं मिल जाता तब तक उन्हें सिर्फ ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको होम लोन की प्रीएमआई चुकानी होती है। तो आपके मन में सवाल होगा कि होम लोन की ईएमआई यानी किश्त कब शुरू होगी, तो इसका जवाब आपको आज की इस पूरी वीडियो को देखकर मिलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम होम लोन की ईएमआई और पीएमआई के अंतरों को समझने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इन अंतरों को नहीं समझेंगे तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब भी आप होम लोन लेने जाते हैं, और यदि आपने मकान के निर्माण के लिए होम लोन लिया है, तो आपके मकान का निर्माण पूरे होने तक आपको लिए गए लोन अमाउंट पर सिर्फ ब्याज का भुगतान करना होता है। इस ब्याज को ही प्रीएमआई कहा जाता है। और बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको मकान के निर्माण के लिए जब भी होम लोन देती है, तो उनकी शर्त होती है कि आप मकान का काम पूर्ण करने के साथ ही साथ उस पे निवास भी करेंगे। ऐसे में वे तब तक आपसे ब्याज की वसूली करती है जब तक आप मकान के निर्माण का कार्य पूरा नहीं कर लेते। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह ब्याज यानी प्रीएमआई भी आपको नियमित ईएमआई की तरह ही जमा करना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस भुगतान में चूक करेंगे तो हो सकता है बैंक आपकी अगली निर्माण की किश्त रोक दे और आपके मकान का काम अधूरा रह जाए। लेकिन ऐसे में आपके मन में एक सवाल होगा कि फिर हमारे होम लोन की असल ईएमआई कब शुरू होगी और हमें यह ब्याज कब तक भरना होगा। तो अब आपको समझाते हैं होम लोन ईएमआई के बारे में और ईएमआई और प्रीएमआई के अंतरों के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में हमारे देश में होम लोन लेने वाले लगभग 64% लोगों को होम लोन ईएमआई और प्रीएमआई के बीच अंतर ही नहीं पता होता। तो हम जब भी मकान बनाने के लिए होम लोन लेते हैं, वहां निर्माण के पूरे होने तक आपको ब्याज का भुगतान करना होता है, इसे ही प्रीएमआई कहा जाता है। दूसरी ओर जब भी आप मकान खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो लोन लेते ही बैंक आपकी किश्त शुरू कर देती है, इसे ही ईएमआई कहा जाता है। एक ओर जहां होम लोन प्रीएमआई में आपको सिर्फ ब्याज का भुगतान करना होता है, वहीं दूसरी ओर ईएमआई में ब्याज और मूल दोनों शामिल होते हैं। यदि आपने लोन मकान के निर्माण के लिए लिया है, तो आपकी ईएमआई यानी किश्त मकान के निर्माण के पूर्ण होने पर शुरू होती है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप मकान के निर्माण के लिए लोन ले, तो जो ब्याज का भुगतान आप कर रहे हैं उसे समय पर ही करते रहें, वरना आपको बहुत से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो सवाल आपके लिए है कि आप बैंक को क्या जमा कर रहे हैं, ईएमआई या प्रीएमआई? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हो सकता है आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी ईएमआई और प्रीएमआई के इन अंतरों को नहीं समझता हो, तो उनसे ये जानकारी शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।